ये देखो लेज़र है सीधी सादी, उस लेज़र के आगे मैं एक पोलराइज़र लगा रहा हूँ, पहले भी ये कर चुके हैं हम एक्सपेरिमेंट, लेकिन अभी ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इसका जो मिनिमम इंटेंसिटी है उसको वॉच करने की कोशिश कीजिएगा कि मिनिमम कितना है और मैक्सिमम के मुकाबले वो कैसा है। ये मैक्सिमम है, देखिए ये सब काफ़ी अधिक इंटेंसिटी वाले मामले, डिफ्रैक्शन आपको बीच बीच में कभी कभी दिख रहे होंगे, उस ध्यान नहीं दीजिएगा, वो मेरे एजेंडा पर नहीं है। और हम मिनिमम इंटेंसिटी वाला पोजीशन ढूंढ रहे हैं। यहाँ कहीं पर मिनिमम, वो बीच वाला स्पॉट देखिएगा, है ना, तो मैक्सिमम की तुलना में ये देखो, ये देखो काफ़ी मिनिमम हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसी लेज़र को इस प्रिज्म से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा के फिर दीवार पे डालते हैं, राइट। तो देखो क्या होता है, ये तो अभी इधर निकल रहे क्या, हाँ निकल रहा है, ये क्या होगा, इस दीवार पे ये TIFR बन रहा है, हाँ नहीं कोई बात नहीं, पकड़ सकते हैं। अब इसको हम, इसका हम उसी प्रकार से ओके, उसी प्रकार से इसका मिनिमम ढूंढेंगे। तो ज़रा देखिएगा, घुमाइए धीरे धीरे, घुमाइए धीरे धीरे, घुमाइए, ये बढ़ रहा है, वापस आइए, बढ़ाइए, हाँ बढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए, घुमाइए 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 घुमाइए, मिनिमम पर लाइए, जा रही है उस पर, जा रही है, छोड़ 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 छोड़, देख रहे हो यही मिनिमम है, काफी कम नहीं हो रहा है, काफी मतलब हो तो रहा है मिनिमम, ये देखो ये तो अधिक, ये तो ज्यादा हो गया, हाँ ये ज्यादा हो गया है। अब हम इसको वापस ला रहे हैं कम करने के लिए, कम करने के लिए टेढ़ा नहीं करना, उसको परपेंडिकुलर आने देना, एक्चुअली ये परपेंडिकुलर है नहीं अभी, एक काम करो आप इसको थोड़ा ऐसा घुमा करके ना, TIR मेरे को यहाँ पे बनवाओ, इसको घुमाओ प्रिज्म को, उधर ले जाना है, हाँ वो बस 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 सामने 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 सामने, हाँ ठीक 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 ठीक, परपेंडिकुलर आना चाहिए ना, बीम के परपेंडिकुलर पोलराइजर को लाते हैं, ये घुमा रहे हैं हम, ये देखो हम घुमा रहे हैं, और आप मिनिमम ढूंढना कहाँ पर है, बढ़ने लगा, वापस जा रहे हैं हम, है ना, तो हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि मिनिमम पर भी अच्छी खासी इंटेंसिटी निकल रही है, बिना प्रिज्म के जब हमने किया था तो मिनिमम जितना मिनिमम था, ये वाला मिनिमम उससे कम मिनिमम है, राइट। ये क्या हुआ, ये तो पोलराइज लाइट थी शुरू से, प्रिज्म के अंदर से जाके रिफ्लेक्शन करके, पहला रिफ्रैक्शन हुआ इसका प्रिज्म के अंदर घुसी, अगले सरफेस पे इसका TIR हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, और फिर दूसरे सरफेस से बाहर निकल करके ये यहाँ पहुँच गई। जो ओरिजिनल लाइट थी वो अच्छी खासी लीनियरली पोलराइज्ड थी, लेकिन ये जो लाइट है वो अच्छी खासी लीनियरली पोलराइज जैसी नहीं दिख रही, ऐसे लग रहा है जैसे कि अनपोलराइज, कुछ हद तक अनपोलराइज हो गई है, और इंटेंसिटी घटती ज़रूर है लेकिन उतनी बढ़िया नहीं घटती है जितनी बढ़िया सीधे में घट रही थी। ये क्या हो गया, मेरा वो BEK मॉडल दे दो, कहाँ गया ये क्या हो गया, ये लाइट जो अच्छी खासी लीनियरली पोलराइज थी, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद इसमें क्या हो गया, हाँ तो इसमें हो क्या गया, इसमें हो क्या गया
कि ये जो लाइट चली और उसके ऊपर पड़ी, जिस समय वो TIR हो रहा था उस समय में उसके ऊपर पड़ी, वहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ, तो उस समय जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस था, जब रिफ्लेक्शन है तो होगा ना, कोई प्लेन ऑफ इंसिडेंस तो होगा, लाइट गई वहाँ पे नॉर्मल है उस सरफेस के ऊपर, रिफ्लेक्ट करके आई, तो वहाँ पर जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, तोड़ेंगे yes, sir. ये दोनों कंपोनेंट जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो सेम फेज में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, उनके फेज बदलते हैं। रिफ्लेक्शन के समय फेज चेंज होना एक आम बात है। आपने जब स्ट्रॉ टेप मॉडल किया था, है क्या यहाँ पे स्ट्रॉ टेप, जब आपने वेव देखी थी स्ट्रॉ टेप के ऊपर, हाँ नए ढंग का स्पोक वाला है ये, टूथपिक वाला नहीं है। हाँ होल्ड करो, अब इनको जरा शांत करना पहले आवश्यक है। अब आप देखिएगा, मैं इसमें यहाँ पे डिस्टरबेंस पैदा करूँगा, इसको अपनी तरफ खींचूँगा, अपनी तरफ सभी स्ट्रॉस मेरी तरफ आएंगे, और जब रिफ्लेक्ट करेगा तब उसका ध्यान दीजिएगा आप, जब रिफ्लेक्ट करेगा तब ध्यान दीजिएगा कि ये स्ट्रॉस मेरी तरफ आते हैं आपकी तरफ जाते हैं। एट द रिफ्लेक्शन पाई का फेस चेंज हो गया, एट द रिफ्लेक्शन पाई का फेस चेंज हो गया, रखो। तो ये फेस चेंज होना एट रिफ्लेक्शन एक आम बात है, ठीक है, लेकिन अगर लीनियरली पोलराइज्ड लाइट जाके TIR कर दे, अगर TIR कर दे, तो उस समय जो फेस चेंज है TIR के बाद वाला, उसमें बड़ी स्पेशल बात है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस में है तो दूसरा फेज चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरा फेज चेंज होगा। तो यानी ये जो लाइट आगे बढ़ी EX और EY, EX जो मान लो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस वाला जो कंपोनेंट है EX है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस वाला EY है, ये EX और EY जब आगे बढ़े तो उनमें एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि दोनों सेम फेज से नहीं चेंज हुए थे। जब सेम फेज से होते हैं तो कोई झंझट नहीं है, फेज डिफरेंस इज जीरो, हो गया फेज चेंज होने दो, लेकिन दोनों कंपोनेंट्स में एक साथ फेज चेंज हुआ है तो एक दूसरी कहानी है। लेकिन दोनों कंपोनेंट्स में अगर अलग अलग फेज चेंज हो गया है रिफ्लेक्शन पे, तो अब जो हमारे इक्वेशंस बनने वाले हैं वो इस टाइप के बनने वाले हैं। एक कॉम्पोनेंट जो है वो कुछ इस टाइप का है, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है विमल, लगा दो मेरा प्रोजेक्टर। राइट, एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ऐसे चल रहा है और वाई कंपोनेंट ऐसे चल रहा है। यहां आप देखिए, इस फेज को हम थोड़ा सा यहां पे स्टडी कर ले। ओके, ये यहां पे दो पेंडुलम है और कोशिश की गई है कि उनके लेंथ बराबर हों, लेकिन वो कोशिश बहुत अच्छी सफल नहीं हुई है। ये वाली लेंथ मुझे कम नज़र आ रही है और ये वाली ज़्यादा नज़र आ रही है, तो देखते हैं इसको घुमा उमा करके कुछ कर सकते हैं क्या। अब उल्टा हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं। अब ये दो पेंडुलम अगर यूं चलते हैं, एक साथ अपने इधर वाले मैक्सिमम पर पहुंचते हैं, एक साथ उधर वाले मैक्सिमम पर पहुंचते हैं, तो हम कहते हैं फेज डिफरेंस इनमें जीरो है। और अगर ऐसे चलते हैं कि जब ये अपने मैक्सिमम इधर वाले मैक्सिमम पर है, उस समय वो उधर वाले मैक्सिमम पे, जब सेंटर पे आएंगे तो ये इधर जाएगा, ऐसी जब परिस्थितियाँ होती हैं तो हम कहते हैं कि ये पाई का फेज डिफरेंस है। एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा होने दो,
जब ये अपने इधर वाले मैक्सिमम पर है उस समय वो अपने उधर वाले मैक्सिमम पर है। हो सकता है कि उसका अपना मैक्सिमम छोटा हो, इसका अपना मैक्सिमम बड़ा हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि ये इधर के मैक्सिमम पर तो वो उधर के मैक्सिमम पर, पाई का फेस चेंज हो गया। और अगर पाई बाई टू का फेस चेंज करना है तो मीन पोजिशन पर होगा, चलेगा, वेलोसिटी होगी। वो जरा करना कठिन है क्योंकि फेज में कराना आसान था, ये कराना आसान था। अब एक बीच में रहे जब दूसरा किनारे पर रहे उस समय वेलोसिटी भी रहे, थोड़ा कठिन है, लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। हम इसको पुश कर देंगे ऐसे, ओके, यहाँ से ऐसे रिलीज, इसको रिलीज करेंगे और उसको पुश कर देंगे। हाँ, तो वो पाई बाई टू का फेस चेंज हुआ। इसी प्रकार से पूरे में कब हम कैसे रिलीज कर रहे हैं, कैसे शुरुआत कर रहे हैं, उसके अनुसार फेस चेंजेस हो सकते हैं दो चीज़ों के अंदर में। यहाँ क्या है कि दो अलग अलग चीज़ें नहीं हो करके एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हैं, ई एक्स और ई वाई। एक जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस में है, दूसरा जो कि उसके परपेंडिकुलर है। ओके, पढ़ा रहे दो, हमें जाने में दिक्कत करेगा, इसको खाली हटा दो। ओके, तो ऐसी परिस्थिति अगर हो गई है तो मिलकर के क्या होने वाला है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और ये उसका, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये उसका कंपोनेंट जो है वो ई एक्स इधर है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। तो ये है ई वाई और ये है ई एक्स। अब ये ई एक्स ऐसे वैरी हो रहा है और ई वाई जो है वो ऐसे वैरी हो रहा है, और ये जो हमारा टिप है वो इस ई एक्स और ई वाई के अनुसार इस टिप को होना पड़ेगा। अगर मैं, मुझको एक्स कंपोनेंट पता हो, मुझे वाई कंपोनेंट पता हो, तो हम ये वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं ना। यस सर। और अगर ये एक्स कंपोनेंट मेरा बदल जाए, ये एक्स कंपोनेंट यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, कम हो जाए, क्योंकि साइन का मामला है तो बदलेगा ही, वाई कंपोनेंट बदल जाए, यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तो वैसी हालत में मेरा जो वेक्टर हो गया अब ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो समय के साथ वो रोटेट कर सकता है। तो हमने देखिए यहाँ पे, हाँ, ये लाइट वाइट बंद करो, ये देखना है मुझे, ये इसको हटा दूँ ना, हटा सकता हूँ ना, हाँ ठीक। हाँ, तो इसमें ये कितनी अच्छी बात है कि इसको घुमाने पे वहाँ नहीं घूमता है। ये घूम गया, ये इतना खराब खराब था क्यों दिख रहा है, रोशनी के कारण? अच्छा, प्रोजेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके ओके ओके, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि हमने ये एक्सेल शीट के अंदर में कैलकुलेशंस किए हैं, क्यों पकड़ के रखना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए। तो हमने ये कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, यहाँ पे मैंने ये टाइम टी लिखा है, ये टाइम है हमारे टी, जो ये टी वैरी कर रहा है, टी वैरी करता है ना, राइट, टाइम बदल रहा है। तो टाइम बदलने का टाइम यहाँ पर है और ये ई एक्स है, ई एक्स जो है इस पर कर्सर लाना, तो जरा इस पर कर्सर लाना। अच्छा, ओ मेरे पास है, वो कैसे लाएगा। हाँ, ये तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख करके आता है जो हम टाइप करते हैं और वो बताता है कि यहाँ क्या है, राइट। तो यहाँ पर इसी के अनुसार, इस इक्वेशन के अनुसार हमने किसी खास टी के लिए ई एक्स को कैलकुलेट किया है और वो ई एक्स यहाँ है, और ई वाई को भी कैलकुलेट किया है और वो ई वाई यहाँ पर है। ये फेज डिफरेंस है, देखिए ये फेज डिफरेंस का ये नंबर यहाँ दिया हुआ है, मैंने 2 दिया हुआ है, 2 मतलब 2 रेडियन, 2 रेडियन यानी कितने डिग्री, 114 डिग्री, एक रेडियन 57 डिग्री का होता है। 2 रेडियन का फेज डिफरेंस हमने 5 जो है वो 2 रेडियन यहाँ लिख करके दिया हुआ है। E1 और E2 के जो एम्पलीट्यूड्स हैं, E1 और E2 ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो हमने यहाँ पे दे रखे हैं, एक का 1 दिया है, एक का 0.5 दिया है, राइट। वो तो होगा ना, जैसे मान लो ऐसे हम लेके जा रहे तो कितने एंगल पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के अनुसार पैरेलल कंपोनेंट का कितना वैल्यू होगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का कितना वैल्यू, कॉस थीटा साइन थीटा, तो अलग अलग हो सकते हैं अनलेस की 45 डिग्री पर हो। तो इसलिए E1 E2 अलग अलग हैं और ये T है, ये phi है, इसमें हम यहाँ EX को कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ EY को कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये EX और EY का ग्राफ है ये, ओके।
तो ये इसमें आप यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, तो इस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसका ईएक्स है और ये उसका ईवाई है, और ये ईएक्स ईवाई बदलते रहेंगे और जो टिप है वो शिफ्ट करता जाएगा। और ये देखो ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ से 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 ऐसे ऐसे शिफ्ट हो रहा है। क्या बन रहा है? लिप्स बन रहा है ना। तो अब जो लाइट बाहर निकल रही है टीआईआर के बाद, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिप्स में घूम रहा है। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, उसका टिप जो है, वेक्टर आप खींचोगे तो जो टिप है, जो मैग्नीट्यूड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है, वो टिप इलिप्स के ऊपर घूम रहा है। तो हमारा ये जो था, पहले हम कहते थे भाई रैंडम है, ऐसे वैसे कुछ भी कभी भी हो सकता है, फिर हमने कहा लीनियरली पोलराइज, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, अब परिवर्तन हो रहा है। अब ये टिप जो है एक इलिप्स के ऊपर घूम रहा है, ये टिप एक इलिप्स के ऊपर घूम रहा है, लेंथ उसकी बदल रही है, छोटी बड़ी हो रही है, हम यहाँ नहीं घुमाएंगे, घुसा सकते हैं इसको, लेकिन अब ये टिप जो है इलिप्स के ऊपर घूम रहा है। तो कैसी लाइट बन गई ये? इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट बन गई। लीनियरली पोलराइज्ड लाइट घुसाई थी हमने प्रिज्म में और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट बाहर निकली। ओके, अब अगर इलिप्टिकली इसका इसका एक वो था ना, एक डिस्क, रेक्टेंगुलर डिस्क जिस पे एक लाइन बनी हुई थी, तो अगर इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है और उसके सामने हम अपना एक पोलराइजर ले आए, वही वाला पोलराइजर हम उठा लाए। ओके, ठीक है, ये इसका ट्रांसमिशन का एक्सिस है, ये इधर ही वाले को ट्रांसमिट करेगा ये। और अब अगर ये इलिप्स में घूम रहा है, ये टिप जो है इसका इलिप्स में ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है वही ट्रांसमिट होगा, निकलने के बाद फिर लीनियरली पोलराइज्ड हो जाएगी, इससे निकलने के बाद ये सबको लगाम कस देगा, है ना। लेकिन अभी अभी इतना निकलेगा, जब वो इलिप्स का ये टिप घूम करके यहाँ पहुँच गया तो उस समय जो प्रोजेक्शन है उतना निकलेगा, फिर इधर आ जाएगा तो जो प्रोजेक्शन है उतना निकलेगा, जब ये इलिप्स यहाँ पहुँच जाएगा तो वो इधर हो जाएगा, तो उधर में फिर अपना लीनियरली पोलराइज्ड हो जाएगी, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा, राइट। तो वो डिपेंड करेगा, इसका मार्कर पेन देना मेरे को, हाँ पेन देना, वो डिपेंड करेगा कि पूरा इलिप्स जो है उसकी शक्ल कैसी है। तो अगर मान लीजिए मेरे पूरे इलिप्स की शक्ल ऐसी है, ऐसी है पूरे इलिप्स की शक्ल, इसके ऊपर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये टिप जो है इसके ऊपर घूम रहा है, ओके, तब वैसी हालत में क्या होगा, मैक्सिमम कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, मिनिमम कितना निकलेगा, तो कितना निकलेगा बताओ, मिनिमम, हाँ मिनिमम कितना निकलेगा, हाँ ऐसे ऐसे, राइट। तो इस समय ये कंपोनेंट ये वाला मैक्सिमम है, और नीचे जाएंगे तो मैक्सिमम कब आएगा, यहाँ पहुँचे तो इतना, यहाँ पहुँचे तो इतना, यहाँ पहुँचे तो इतना, ये ऐसे घूम गया है तो यहाँ कहीं पर उसका कहीं मैक्सिमम आएगा। अब यही इलिप्स अगर ऐसा नहीं हो करके, फर्ज करो ऐसा होता, ये इलिप्स अगर ऐसा होता तो हमेशा यही वाला प्रोजेक्शन आना था ना, तो छोटा छोटा निकलता। ये इलिप्स अगर ऐसे होता, ऐसे होता इलिप्स, और यही वाला प्रोजेक्शन हमेशा निकाल सकते हैं हम, तो जो निकलता है उसका एम्पलीट्यूड छोटे छोटे होता है, और ऐसा वाला इलिप्स होता तो एम्पलीट्यूड बड़ा बड़ा होता। ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं? ओके, और अगर ये इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है तो क्या इसको घुमा करके, इस ऑप्टिक एक्सिस को घुमा करके कभी भी हम इसको ज़ीरो बना सकेंगे? हर मन आएगा। अगर ये लीनियरली पोलराइज होती इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स, तो हम भी उसको 90 डिग्री पे फिक्स जीरो कर देते। लेकिन इलिप्टिकली पोलराइज लाइट ऐसे वाला अगर हो रहा है तो हम इसको कहीं भी घुमा के ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन निकलेगा ही निकलेगा, और इलिप्स कैसा है उसके अनुसार वो पता चलेगा कि अच्छा भाई कितना निकलेगा, क्या ओरिएंटेशन है इलिप्स का, राइट।
तो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होने से अगर आप उसको पोलराइजर में से ले जाओगे और पोलराइजर को घुमाओगे तो मैक्सिमम मिनिमम तो होगा, लेकिन उसका जो डिफरेंस है मैक्सिमम मिनिमम का वो कम होगा, राइट। जो जो मिनिमम है वो मिनिमम जीरो के आसपास नहीं हो करके, और डिपेंडिंग कि कितना इलिप्टिकली कैसा इलिप्स बन रहा है उसके अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। TIR करके आप इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट पैदा कर सकते हो, ओके। ये तो कॉमन रिफ्लेक्शन में नहीं होगा, कॉमन रिफ्लेक्शन में नहीं होगा। कॉमन रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर आपने ऐसा करके और ऐसा करके ले गए हैं तो पाई का फेज डिफरेंस होता है दोनों कंपोनेंट्स में, ओके। पाई का फेज डिफरेंस होता है दोनों कंपोनेंट्स में, एम्पलीट्यूड घटता है जो देखा था आपने, एम्पलीट्यूड घटेगा जो इन इन द प्लेन वाला इंसिडेंस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ब्रूस्टर एंगल पे जीरो ही हो जाएगा, वो सब है, लेकिन जब तक वो रिफ्लेक्ट कर रहा है पाई का फेज डिफरेंस। और अगर शीशे में से जा रही है और हवा में जा रही है तो कोई फेज डिफरेंस नहीं, नॉर्मली। लेकिन TIR के बाद सारा मामला बदल जाता है। TIR के बाद जो है उस समय जो रिफ्लेक्शंस होते हैं उनमें वो फेज डिफरेंसेस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, दोनों कंपोनेंट्स के अलग अलग फेज डिफरेंस होते हैं, ओके। तो इलिप्स कैसा होगा वो इस E1 और E2 और phi से डिसाइड होगा, बिल्कुल ठीक। अब देखिए हम इसमें जैसे अभी अभी आपको दिख रहा है, हालांकि स्केल्स थोड़े से अलग हैं, ये 0.6 है यहाँ पे और ये 1 है यहाँ पे, तो इधर का स्केल और इधर का स्केल बिल्कुल बराबर नहीं है। इधर जो इन्होंने 0 यहाँ दिया है, 1 यहाँ दिया है, 1.5 यहाँ दिया है और यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ 0.2 दिया है। देखिए लगभग उतने ही डिस्टेंस पर हैं हम, इधर 0.2 है, इधर 0.5 है। तो आपको जो इलिप्स दिख रहा है वही इलिप्स नहीं है वो, ठीक है। आप अगर ग्राफ खींचो और सर्किल है और आप एक्स एक्सिस में 1, 2, 3 इतना इतना दूरी पे डालो और वाई एक्सिस पर इतना इतना दूरी पे डालो तो सर्कल तो इलिप्स दिखेगा ना। तो जो दिख रहा है एग्जैक्टली वही इलिप्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने स्केल सही नहीं लिए हुए हैं, दोनों के अलग अलग स्केल लिए हुए हैं, उनका अपना डिफॉल्ट है। मैंने बहुत मेहनत नहीं की है कि उसका मैं स्केल बराबर करूं, कर सकता हूं एक्सेल में कर सकता हूं मैं, लेकिन कोई बात नहीं है, उसकी चिंता नहीं करना। अब देखो हम क्या करते हैं, हम इसके E1 E2 को बदलते हैं। E1 अभी 1 है और E2 अभी 0.5 है। अब मान लेते हैं कि इसको हमने 0.2 किया, ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए 0.2 हमने कर दिया इसको और ये हो गया, बदला ना थोड़ा। और जो फेज डिफरेंस है इसको देखिए मैं बदलता हूँ, 2 है अभी, इसको मैं 1 कर देता हूँ। इलिप्स पे ध्यान दीजिएगा, ओरिएंटेशन बदल गया। और अगर हम पोलराइजर से ले जा रहे हैं तो कितना निकलेगा वो तेजी से बदल गया है। 1.5 कर देते हैं फेज डिफरेंस को, ये देखिए ये जो फेज डिफरेंस अभी 1 है, 1.5 कर दिया हमने, ये देखिए। हाँ अब ये ध्यान रखिएगा स्केल बराबर नहीं है, जो आपको सर्किल देख रहा है, लेकिन वो भी तो इसी स्केल पे देख रहे थे ना पहले वाला, तो एकदम से परिवर्तन हुआ है, ठीक है, एकदम से परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से फेज डिफरेंस कितना है उसके अनुसार जो इलिप्स है उसके ओरिएंटेशंस वगैरह बदलते रहेंगे, उसके ओरिएंटेशंस वगैरह जो है बदलते रहेंगे। हाँ जी, जीरो कर दे, हाँ देखिए फेज डिफरेंस जीरो कर दिया हमने और देखिए क्या हुआ। नेचुरली जब फेज डिफरेंस जीरो है तो हमेशा EY बाई EX इज इक्वल टू E2 बाई E1, फिक्स स्ट्रेट लाइन, लीनियरली पोलराइज्ड गई। अगर कोई फेज डिफरेंस बीच में नहीं घुसाया तो ठीक है। तो ये हमारे TIR में, हाँ इसको हटा सकते हैं, ये हमारे TIR में और पोलराइजेशन में संबंध है। लीनियरली पोलराइज्ड लाइट से इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट बनाना TIR के द्वारा पॉसिबल है और बहुत सिंपल है। और इसी में अगर आपने E1 और E2 को बराबर लिया है
45 डिग्री पे अगर है तो कंपोनेंट्स दोनों एम्पलीट्यूड बराबर होंगे, और फाई अगर पाई बाई टू हो जाए, ये जो फाई है ये फाई अगर पाई बाई टू हो जाए और ई वन बराबर ई टू हो जाए तब वो सर्कल बन जाएगा, परफेक्ट सर्कल बन जाएगा, तब वो सर्कुलरली पोलराइज हो जाएगी। और सर्कुलरली पोलराइज में बड़ा खतरा है, आप अपना जब पोलराइजर घुमाएंगे तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, आपको लगेगा कि अनपोलराइज्ड है। अच्छी खासी पोलराइज्ड लाइट को आप भ्रमवश कंप्लीटली अनपोलराइज्ड डिक्लेयर कर सकते हो, ये खतरा है। सर्कुलरली पोलराइज्ड अगर है, इलिप्टिकल है तो एटलीस्ट कुछ वेरिएशन होता है तो पता चलता है कि हाँ ओके कुछ वेरिएशन है, उसमें भी पार्शियली पोलराइज्ड, पार्शियली लीनियरली पोलराइज्ड, बाकी अनपोलराइज्ड, वो भी वैसा ही बिहेव करेगा, राइट। अगर बढ़िया पोलराइज्ड नहीं हुई है, थोड़ा अनपोलराइज्ड का भी कंपोनेंट है, तो वो भी वैसे ही बिहेव करेगा। तो वो सब हम क्या कर रहे हैं उसकी भी जानकारी बैकग्राउंड में अगर अपने को है तो हम डिस्टिंग्विश करेंगे, ये अनपोलराइज्ड है, ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है, ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड है।